Hello class 8, today we are going to do the exercise 10.3. The question number 2, find volume V and curved surface area which is denoted by A of the right circular cylinder having the radius of the circular base R and height H as, means what you have to find out volume and curved surface area of the circular cylinder. Okay, circular cylinder की जो curved surface area होता है उसका formula क्या होता है, 2 pi r h and volume का pi r square h. Now you have question number first में क्या है, r is equal to 5 cm and h is equal to 21 cm, means आपको radius एंड हाइट दी हुई है, आपने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ए से डिनोट किया वो निकालना. ओके, हाउ वी विल टेक आउट, इसका जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, तो पाई को कैसे लिखते हैं, 22 बाई सेवन इंटू आर स्क्वायर. आर क्या गिवन है, 5, मीन्स 5 इंटू 5, एंड हाइट क्या गिवन है, 21 सेंटीमीटर. तो इसका सेंटीमीटर हो गया 5 का, देन दिस 5 सेंटीमीटर, देन 21 सेंटीमीटर, तो ऑल थ्री, इन तीनों का क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको सॉल्व करने पे 1650 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया. ये तो होगी इसकी वॉल्यूम. अब क्या निकालना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला नाउ ओनली आई टोल्ड यू, दैट इज 2 पाई आर एच. तो 2 ऑन द प्लेस ऑफ पाई क्या आ गया, 22 बाई 7, एंड आर गिवन था 5 एंड एच इज गिवन 21. तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, 660 सेंटीमीटर स्क्वेयर. अब स्क्वेयर यहाँ पे क्यों आया, बिकॉज 5 का सेंटीमीटर एंड 21 का सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर की क्या फाइंड आउट कर रही है, हाइट. तो हाइट को हमने कैलकुलेट कर लिया एच. लेट एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर. क्यों, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या करना है, व्हेन इट्स वॉल्यूम एंड रेडियस आर गिवन. वॉल्यूम एंड रेडियस गिवन है, देन वी विल सी कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे. अब हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी गिवन है एंड रेडियस भी गिवन है, हाइट हमने एच लेट कर लिया, तो हम इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. इसके लिए हमें एच भी चाहिए, तो एच वी विल टेक आउट फ्रॉम हियर. वॉल्यूम गिवन है 422 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है क्यूब में लिखते हैं, और जो सरफेस एरिया दैट इन स्क्वायर. तो ऑन द प्लेस ऑफ पाई 22 बाई 7, एंड ऑन द प्लेस ऑफ आर, आर स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आएगा, तो 8 है वो 2 टाइम्स आ गया, एंड एच हमने फाइंड आउट करना है. देन वी विल सॉल्व इट. सॉल्व करने पे ये क्या आ गया, एच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ओके, अब 21 सेंटीमीटर क्यों आया, इक्वल के इस साइड था सेंटीमीटर क्यूब एंड इक्वल के अनदर साइड है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनको डिवाइड करने पे क्या रह गया हमारे पास, सेंटीमीटर. ये 3 है, ये 2 है, ये क्या रह गया, सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसका हमने टोटल सर्फेस एरिया निकालना है. अब टोटल सर्फेस एरिया जो होता है वो, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच. अब ये वाई वी आर, मीन्स वी कैन मेक ऑल्सो दिस फॉर्मूला, लेकिन लीजिए समझने के लिए आई हैव रिटन सम डिटेल्स. कैसे, क्या है, टोटल सरफेस एरिया ए ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका टोटल सरफेस एरिया वो था जो पहले हमने किया था, वो था कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड मीन्स जो कर्व करके उसके ऊपर, ये वाला एरिया जैसे ये है, जैसे ये पूरा एरिया हुआ दिस वन, और इसमें क्या है, ये क्या कह रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया जिसमें हाइट एंड रेडियस भी आता है. देन हाउ वी विल डू, एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस मीन्स, एक तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया, और एक ये रेडियस, ये वाला एरिया, और दिस वन, तो ये हो गया पाई पाई
आर, ये आर है, पूरे को देखेंगे तो आर स्क्वायर हो गया, मीन्स डायमीटर, ये क्या हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला पाई आर स्क्वायर। ओके, तो सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ एंड फेसेस, एंड फेसेस या बेस ये वाला और ये वाला, तो ये क्या आ गया 2 पाई आर h प्लस यहाँ से क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर वी कैन टेक आउट एज ए कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया h प्लस r, तो यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस r इज इक्वल टू 7, मीन्स रेडियस इज 7 एंड हाइट इज 21, तो जो भी इसकी वैल्यूज होंगी ऑन द प्लेस ऑफ पाई हमने क्या लिखा 22/7 एंड इंटू आर, आर हमारा क्या गिवन है 7 एंड 21 इज अ हाइट प्लस 7, तो सॉल्व करके क्या आ गया मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कल राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज, वॉल्यूम गिवन है 3080 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर, हाइट हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, निकालना क्या है इसका रेडियस, रेडियस निकालना है वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर 7 सेंटीमीटर कैसे आ गया, ये तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जो आर का स्क्वायर है वो इक्वल के अनदर साइड जाके इस पर क्या हो गया रूट, तो 49 का रूट क्या होता है 7, 7 7 से 49 होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर था वो रह गया सेंटीमीटर, मीन्स 7 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया जो इसका हमने रेडियस रेडियस निकालना था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 2156 मीटर क्यूब, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंड्रिकल मीन्स जो सिलेंडर की शेप में होते हैं, एज यू हैव सीन एट योर होम ऑल्सो सिलेंडर्स होते हैं जिनका बेस भी होता है, हाइट होती है और ये एक सर्कल शेप में होते हैं, सर्कल मीन्स सिलेंड्रिकल जिसमें बेस हाइट और रेडियस तीनों चीजें आती हैं, तो इसका डायमीटर हमें गिवन है 14, डायमीटर मीन्स ये पूरा एरिया, लेकिन रेडियस होता है इसका हाफ, मीन्स 14 का हाफ क्या आ गया 7, ये रेडियस निकल गया इसका। लेट एच एज द डेप्थ, अब इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है ना क्वेश्चन नंबर सिक्स में, फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक, जो डेप्थ है डेप्थ मीन्स इसकी डीपनेस ऊपर से लेके नीचे तक, ये इसकी डेप्थ होगी जिसको हम एच बोलते हैं, मीन्स हाइट। लेट एच एज द डेप्थ, देन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया वैल्यूज पुट की, एच हमारा क्या आ गया 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेवन, अ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक लॉन्ग सॉलिड हमें सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है, बड़ा सॉलिड है, वुड लगा लो कुछ भी लगा लो, सिलेंड्रिकल शेप में है जिसकी लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस, रेडियस गिवन है 3.5, रेडियस गिवन है मींस ये वाला एरिया, दिस वन मींस दिस वन एरिया, ये इतना हाफ हाफ ऑफ फुल सर्कल, ये पूरा एक सर्कुलर है, ये वाला मेजरमेंट होता है डायमीटर एंड हाफ ऑफ दिस होता है रेडियस। ओके, नाउ रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर, अब निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, एज यू नो ओनली वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो ऑन द प्लेस ऑफ पाई हमने लिखा 22/7, देन ऑन द प्लेस ऑफ आर, आर मीन्स रेडियस, टू टाइम्स लिखना 3.5 3.5 इंटू हाइट 8, तो इसका वॉल्यूम निकल गई एक सॉलिड की। क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ गार्डन रोलर, रोलर है तो रीड करने भी हमें पता चल गया कि दिस इज अ सर्कुलर सिलेंडर। ओके, अब इसका निकालना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमें चाहिए क्या, वी नीड, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, मीन्स हमें एक रेडियस चाहिए और एक हाइट चाहिए, क्या निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया,
हुज लेंथ एंड डायमीटर, लेंथ इज 1.5 एंड डायमीटर इज 1.4। अब डायमीटर 1.4 है तो उसका यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज 0.7। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमने इस सारी वैल्यूज को पुट किया तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया तो आ गया 6.6 मीटर स्क्वेयर। आगे निकालना क्या है, हाउ मच एरिया कैन इट लेवल इन 200 रेवोल्यूशन, 200 रेवोल्यूशन में कितना एरिया ये कवर करेगा लेवल करने के लिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आफ्टर 200 रेवोल्यूशन मीन्स जो कर्व्ड सरफेस एरिया एक एरिया आया इनटू जो हमें गिवन है 200, जो एरिया है आया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू 200, तो टोटल हमारे जो कर्व्ड एरिया आफ्टर अच्छा 200 रेवोल्यूशन के बाद, रेवोल्यूशन मीन्स जो उसको रोल 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 करके उसने लेवल किया तो उसका उसने 200 रेवोल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया, 1320 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9th, द डायमीटर ऑफ अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग रोलर इज 84। मीन्स डायमीटर ऑफ अ 120 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स हाइट, तो उसकी हाइट तो गिवन है 120 मीटर। लॉन्ग रोलर इज मीन्स, और उसका डायमीटर, द डायमीटर लिखा तो डायमीटर है उसका 84, डायमीटर 84 है तो उसका हमने रेडियस निकाल लिया 42 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 42। आगे आगे क्या करना है, वट इट टेक्स 1000 कंप्लीट रेवोल्यूशन। सेम क्वेश्चन है एज यू हैव डन 8th क्वेश्चन, पहले उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया फिर उसके मल्टीप्लाई में 200 कर दिया। अब सेम इसको करना है, 1000 कंप्लीट रेवोल्यूशन मूविंग वंस कवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है। तो कर्व्ड एरिया सेम निकालेंगे 2πRh, यहाँ से ये वैल्यू निकल गई, तो इसको क्या करना है आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, ये इंटू 1000 तो हो ही गया था, उसके बाद कन्वर्ट इन मीटर्स तो डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, तो ये आ गया मीटर्स में इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10th, अब वैसे ये गिवन नहीं है कि आपने मीटर्स में निकालना है, सेंटीमीटर्स में है, ये भी सही है लेकिन दिस इज ऑल्सो राइट। क्वेश्चन नंबर 10th, द वॉल्यूम ऑफ द मड टेकन आउट अ डिगिंग अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 1540 मीटर क्यूब, फाइंड द डेप्थ ऑफ टैंक ऑफ अ डायमीटर ऑफ द बेस इज 7 मीटर। मीन्स वॉल्यूम ऑफ मग, वॉल्यूम गिवन है ओके, डायमीटर गिवन है, डायमीटर से रेडियस निकाल लिया, फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के हमने इसकी हाइट निकाल ली, या हमने लगाया वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है वॉल्यूम गिवन है 1540, यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट कर दी, लेकिन हमें h निकालनी है तो h एज इट इज आ गया, h हमने एज ए डेप्थ यहाँ पे लट किया था तो h हमारा क्या आ गया 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11th, अ सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल विदाउट अ लिड इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, लिड नहीं उसमें, लिड मीन्स उसका जो ढक्कन है वो इंक्लूड नहीं है, जस्ट उसका नीचे वाला पार्ट इंक्लूड है। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड इफ द लेंथ ऑफ द वेसल इज 35 सेंटीमीटर, मीन्स जो वेसल है उसकी लेंथ गिवन है 35 एंड इट्स डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर, डायमीटर है, रेडियस निकाल लेंगे ओके, एरिया ऑफ मेटल रिक्वायर्ड। अब जो टोटल हमें मेटल चाहिए किस किस के लिए, एक तो हमें चाहिए इसका जो कर्व्ड एरिया आएगा जो इसको ऐसे रोल में कर देगा, ऐसे रोल में जैसे आप किसी पेज को रोल करते हैं ये वाला एरिया, ऐसे ऐसे करने के लिए एक शीट चाहिए, एक शीट चाहिए हमें बेस के लिए, बेस बनाना है उसका लेकिन उसकी लिड नहीं बनानी, तो हमें सिर्फ एक तो ये रोल करने के लिए, एक ये बेस के लिए हमें शीट चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमें हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला प्लस एरिया ऑफ बेस जो हमने बेस निकालना है, तो बेस का फॉर्मूला पाई इंटू जो इसका रेडियस था, पाई इंटू रेडियस ओके, हाइट नहीं चाहिए तो हमने हाइट नहीं ली, हाइट नहीं चाहिए ना बेस के लिए, बेस तो पूरा फ्लैट होता है,
तो यहाँ इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर दी, तो यहाँ से हमारे पास जो जितनी मेटल चाहिए थी वो हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विच इज़ मेड बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर शीट। ये शीट है ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर अलॉन्ग इट्स लेंथ। ओके, निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। ओके, लेट आर बी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड। जो हमारा आर था, आर को हमने रेडियस निकालना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ शीट दी है ना, शीट से हमने सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस को हमने क्या लेट किया, आर, आर बी द रेडियस, देन 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। 2 पाई आर मीन्स जो बेस था। ओके, बेस का यही फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पे 2 पाई आर, तो आर इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय, ये हमने 44 कहाँ से लिया, बिकॉज दिस इज गिवन कि आपका जो बेस है दैट इज 44। तो ओके, तो R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया, R भी आ गया, तो उसके बाद हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, रेडियस अवेलेबल हो गया, वॉल्यूम के लिए हाइट अवेलेबल होगी, हाइट इज गिवन ओनली दैट इज 14। क्वेश्चन नंबर 13 तो सेम सेम है बिल्कुल, क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज मेड बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर शीट साइज 44 सेंटीमीटर एंड 33 सेंटीमीटर अलॉन्ग इट्स ब्रेथ। अब इसकी ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है 33, और जो इसकी पूरा ओके, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर सो फॉर्म्ड। अब इसके लिए भी एक शीट थी, जस्ट ये पेज है आप देख रहे हो, जस्ट ऐसी शीट है, लेकिन इसमें रेडियस तो नहीं दिख रहा ना हमारे पास, तो रेडियस हमें पहले निकालना पड़ेगा, अगर कुछ भी हमने इसको ऐसे सर्कुलर बनाना है, मेजरमेंट अगर बाद में हमने बताना है इसका, तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, हमने रेडियस को क्या किया, आर लेट कर लिया, बेस का फॉर्मूला लगाया, देन यहाँ से हमारे पास रेडियस आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है हमने, तो इसके लिए तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाया, सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, द आउटर डायमीटर ऑफ अ पाइप इज 70 सेंटीमीटर। तो आउटर पार्ट है पाइप का, तो उसके लिए डायमीटर था, तो रेडियस निकाल लिया 70 बाय 2। ओके, एंड द लेंथ ऑफ पाइप इज 21 मीटर, लेंथ भी गिवन है, बट लेंथ हमारे पास यहाँ पे मीटर्स में है, एज यू विल सी इन इक्वेशन, लेंथ हमारे पास मीटर्स में है, रेडियस है सेंटीमीटर में, तो या तो आप लेंथ को सेंटीमीटर में चेंज कर दो या रेडियस को मीटर में चेंज कर दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेंथ को मीटर्स में चेंज किया, 2100 सेंटीमीटर आ गया, मीटर थी सेंटीमीटर में चेंज होगी, तो सरफेस ऑफ एरिया का फॉर्मूला लगाया और इनकी जो वैल्यूज थी वो हमने पुट की, 2 पाई आर, 2 पाई आर h, तो 2 × 22/7 × 70/2 और 2100, ये हमारा क्या है लेंथ, तो यहाँ पे 462,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको मीटर्स में चेंज करने पे 46.2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसका निकालना क्या, आगे जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमने निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सर्फेस ऑफ द पाइप एट द रेट ₹10 per square meter। मीटर्स में निकालना था, इसलिए हमने इसका टोटल जो स्क्वायर मीटर्स में आंसर था निकालना हमें था इसका रेट, तो उसके लिए हमें ये सेंटीमीटर में निकला, तो हमें मीटर्स में करना पड़ा ये कन्वर्ट, इसलिए हमने इसको मीटर्स में कन्वर्ट किया, तो ₹10 है टोटल, 46.2 है इंटू 10 करके इसका हमारे पास जो कॉस्ट निकालनी थी वो रुपीज में आ गई। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 16 सेम है,
फिफ्टीन में क्या है? अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 30-80 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ टैंक गिवन है 3080, और वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। निकालना क्या है इसका? इफ इट्स डेप्थ इज 20 सेंटीमीटर, अगर इसके डेप्थ मीन्स हाइट, अगर इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है, मीन्स हाइट भी आ गई हमारे पास, फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर निकालना है तो पहले आप निकालोगे रेडियस, यहाँ से निकालोगे रेडियस और जो आर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, क्योंकि जो डायमीटर होता है, मैंने आई टोल्ड यू, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। द सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 3080 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डेप्थ। पहले क्वेश्चन में आपको रेडियस डायमीटर निकालना था, इसमें डायमीटर गिवन है और आपने इसका हाइट निकालना है। डायमीटर 28 है, रेडियस क्या होएगा? 28/2, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? इसकी हाइट। क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड हाइट 7 मीटर कैन होल्ड? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब हमने इसका निकालना है वॉल्यूम, कैपेसिटी। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला आपको पता है सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। नाउ रेडियस इज ऑल्सो गिवन एंड हाइट इज ऑल्सो गिवन, ये तो आ गया 22 मीटर क्यूब, क्यूब में आ गया। अब इसको निकालना लीटर्स में है, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, तो 22 × 1000 क्या आ गया? 22000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 18। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर विद 88 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर पेपर, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर विद 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर ब्रॉड इज रोलिंग अलोंग इट्स लेंथ, मीन्स लेंथ की साइड से इसको रोल करना है, ये इसकी लेंथ होगी, ये पूरा डायमीटर इसका 88 हो गया, डायमीटर हो गया, तो यहाँ से हम रेडियस इसका डायमीटर मीन टू से इसका जो पूरा ऊपर वाला एरिया होगा दैट इज 88 सरफेस एरिया, तो यहाँ से बेस का फॉर्मूला लगा के हम रेडियस निकाल लेंगे, दैट इज 14 सेंटीमीटर। ऑल्सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन 7, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला निकाल के हम क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास हमें चाहिए था क्वेश्चन नंबर 18 में द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो नया सिलेंडर बनाया उसकी वॉल्यूम। ओके, द थिकनेस ऑफ अ मेटेलिक ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर, एक मेटल की ट्यूब है जिसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, थिकनेस मीन्स उसकी जो मोटाई है दैट इज 1 सेंटीमीटर। अगर आप देखोगे किसी चीज़ की मोटाई देखोगे तो उसका आउटर एरिया का डायमीटर अलग होएगा और जो उसका इनर पार्ट है उसका डायमीटर अलग होएगा। ओके, एंड द इनर डायमीटर ऑफ ट्यूब इज 12 सेंटीमीटर, इनर के इनर अंदर का जो एरिया है उसका डायमीटर गिवन है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द वेट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब, फाइंड द वेट, इसका वेट निकालना है 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब का, मीन्स इसकी लेंथ होगी 1 मीटर, लेंथ होगी 1 मीटर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.8 ग्राम, अगर इसकी डेंसिटी मतलब इसका डेंसिटी होती है, जैसे किसी चीज़ में एज्यूम कर लेते हैं कि इस वेसल में या इस टैंक में इतना वाटर आएगा, तो एक पार्ट में तो पूरे में इसका इस फिर इसका वेट कितना होएगा? अगर मतलब किसी जग में हमने वाटर डाला तो उसका वेट कितना होगा? इट मीन्स टू से दिस। ओके, द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब इज गिवन 1 मीटर, तो हमने 1 मीटर गिवन थी, तो जो इसकी लेंथ है 1 मीटर थी, तो इसको सेंटीमीटर्स में हमने कन्वर्ट किया तो क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर। ओके, आर है आउटर पार्ट के लिए
कैपिटल आर एंड स्मॉलर है इनर पार्ट के लिए, रिस्पेक्टिवली बी द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो रेडियस इनर पार्ट का आया 12 था, 6 सेंटीमीटर आ गया। और आउटर का क्या आएगा, आउटर का जैसे ये थिकनेस है, ये थिकनेस है 1, इनर का हो गया रेडियस 6 सेंटीमीटर, 6 एंड 1 कितना हो गया 7, पूरा रेडियस कितना हो गया 7 मीटर। कैसे है ये है आउटर एरिया, ये है इनर एरिया, ओके, ये इनर एरिया ये है 6 सेंटीमीटर और आउटर ये है 1 मीटर, तो ये पूरा कितना हुआ 6 प्लस 1 इज 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर पूरा हुआ 7 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ पॉलीगन, तो इसकी वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ पॉलीगन हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब क्या आएगी, पाई आर, पाई एल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल था 7 और स्मॉल है 6, तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम आ गई। ऑल्सो द वेट ऑफ द मेटल, अब जो ये आंसर आया है, जो वॉल्यूम ऑफ हॉलो आई है, इसको मल्टीप्लाई बाय जो 7.8 ग्राम था, तो इसकी डेंसिटी आ गई 31.868 किलोग्राम, इतना किलोज में इसका वेट आ गया, मतलब डेंसिटी आ गई। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ द अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल ऑफ 22.5 मीटर डीप एंड अ डायमीटर 7 मीटर। क्या कह रहे हैं कि कोई क्यूबिक क्यूबिक शेप में की अर्थ है, उसमें हमने क्या डीप सिंक करना है, मतलब एक वेल बनानी है, कुआं बनाना है, कितना डीप, 22.5 मीन्स इसकी हाइट तो होगी 22.5 एंड डायमीटर, डायमीटर मीन्स इसका ऊपर वाला पूरा एरिया और इसका रेडियस क्या आएगा 7/2। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कवर्ड सरफेस एट कवर्ड सरफेस एट ₹3 पर स्क्वायर मीटर, जो इन अंदर वाला एरिया उसको सीमेंट करना है, उन्होंने प्लास्टर करना है, तो उसकी एक स्क्वायर पर स्क्वायर मीटर इसका रेट है ₹3, तो पूरे का हमने निकालना है। तो पहले तो हम इसकी निकाल लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के बाद उसको हम कर देंगे जो आंसर आएगा, फिर हम निकालेंगे इनर कवर्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा, देन मल्टीप्लाई बाय 3। द वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल की वॉल्यूम मीन्स जैसे सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सेम ही आएगा क्योंकि ये भी तो एक सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से आ गया इसकी वॉल्यूम, ओके, एंड इनर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल, जो अंदर वाला सरफेस एरिया है वो उस सरफेस एरिया, जो कवर्ड सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इनर सरफेस एरिया, इनर कवर्ड सरफेस एरिया, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग जो आंसर आया 495 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गई इसकी टोटल कॉस्टिंग।